अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक ग्रुप में एक भाई ने सवाल पूछा हुआ था कि उनके पास यूके का वैलिड वीज़ा था तो उन्होंने टर्की का ई वीज़ा अप्लाई किया। आपको पहले बता दूं कि अगर आपके पास यूके का, यूएस का, शेंजन का वैलिड वीज़ा है तो आप टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या आप टर्की ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। बशर्त क्या है कि आपका इन तीनों में से कोई भी वीज़ा यूएस, यूके या शेंजन का वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो उन भाई का ये सवाल था कि उन्होंने यूके के वैलिड वीज़ा पे टर्की का ई वीज़ा अप्लाई किया था तो अब उनका यूके का वीज़ा वो पूछ रहे थे कि अगर ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो क्या मैं फिर भी टर्की का वीज़ा जो मेरे पास था, ई वीज़ा जो मुझे मिला था, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका जवाब है कि नहीं, आपका यूके का या यूएस का या शेंजन का वीज़ा, जिस भी वीज़े के बिहाफ पे आपने टर्की का ई वीज़ा लिया है, तो वो वैलिड होना चाहिए आपको एंट्री मिलने के लिए। अगर वो वैलिड नहीं है तो आपका टर्की का वीज़ा भी वैलिड नहीं है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो आप कोशिश करें कि मतलब यूके का, यूएस का, शेंजन का कोई भी वीज़ा अगर है तो कोशिश करें कि 30 मतलब एक महीना या 2-3 माह पहले जाके टर्की में एंट्री ले लें या टर्की का वीज़ा यूज़ कर लें। ये ना कि लास्ट डेज में आप जा रहे हो, मिसाल 5 दिन का वीज़ा आपका वैलिड रह गया है तो आपका टर्की का फिर थोड़ा हो सकता प्रॉब्लम हो। तो बेहतर है कि जब वो वीज़ा वैलिड है तो आप अपना टर्की का वीज़ा भी यूज़ कर लें, या टर्की ऑन अराइवल भी दे देता है अगर आपके पास तीनों में से कोई भी वीज़ा है। अगर आप यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं और या शेंजन में किसी कंट्री जा रहे हैं तो अपना स्टे आप टर्की में रख सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं ई वीज़ा के साथ साथ। राइट, दैट्स इट। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। पुट एन अपडेट वीडियो ऑन दिस, मैं वीडियो बना दूंगा कोई भी आपकी क्यूरी हो इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी क्यूरीज आ रही है मैं सब पे वीडियो बनाता जाऊँ, लेकिन मतलब जारी बात है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि दिन में 2 या 3 वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स बना दिया करूँ ताकि आपके आंसर आपको मिल जाए करें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरख्वास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़।